नवरात्रि पर आज शहर में जगह जगह देवी प्रतिमा की स्थापना हुई। ढोल नगाड़े गाजे बाजे आतिशबाजियों के साथ माता के जयकारों से नगर गूंज उठा। भक्तों ने शुभ मुहूर्त में पांडालों में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की। पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। 10 दिनों तक चलने वाले पर्व को क्षेत्र भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के कई स्थानों पर माँ दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की हैं। इसी दौरान गरबा, भजन कीर्तन, नाटक, झांकियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिरों और घरों में देवी पांडालों में रोज हवन पूजन, दुर्गा पाठ, जप तप, महाभिषेक, महाआरती, भंडारा, कन्या भोजन के अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले 2 वर्ष की भांति इस वर्ष लोगों में काफी उत्साह उल्लास देखा जा रहा है। वहीं हमारी बिक्री भी 2 साल की अपेक्षा ज्यादा हुई है। तो वहीं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 9 से 10 फुट तक की मूर्तियां बनाई गई हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सरकार द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसका पालन कर रहे हैं और 2 साल बाद जो कोरोना के काल के बाद में अब नव दुर्गा का महोत्सव बनाया जा रहा है तो सभी भक्तगण खुश हैं बहुत ज़्यादा। भारत माता की जय। 2 साल कोरोना के चक्कर में हमको बहुत नुकसान हुआ है और इस बार से कोरोना गाइडलाइन के चक्कर में हमें नवदुर्गा के उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है और इस बार नवदुर्गा 816 से बन रही है। सरकारी गाइडलाइन अनुसार कैसे नियमों का पालन कर रहे हैं? हम अपनी कोरोना गाइडलाइन का हम बड़ी अच्छी नियम से पालन कर रहे हैं और जो शासन की गाइडलाइन हुई उसके अनुसार हम आगे और कार्रवाई कर रहे हैं। इस साल से कोरोना मैंने कुछ हमारा नुकसान हो गया था लेकिन इस साल थोड़ा ठीक है। अब देखते हैं और आगे चल के क्या होता है। इस साल हमने गाइडलाइन की पालन भी किया है और हमने मतलब 8 फुट 7 फुट की मूर्ति भी बनाई है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई मूर्ति नहीं बनाई है। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की उनको गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इस बार आपको क्या कुछ नया लग रहा है 2 साल के बाद? अच्छा लग रहा है। नई प्रक्रिया है, नया माहौल है और हमने जो आदेश करे जारी उनका पालन कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा इस बार 30 साल में महोत्सव मनाया जा रहा है तो किस तरह से मनाएंगे आप? अब जो पहले मनाते थे धूमधाम से थोड़ा इस बार का गाइडलाइन का और कोविड 19 को देखते हुए पालन करेंगे उसका।